मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर 4 कठपुतली करेंगे। कठपुतलियों को कलाकार द्वारा डोरी बांधकर नचाया जाता है। कठपुतली का खेल सबने देखा होगा। यद्यपि कठपुतलियाँ स्वतंत्रतापूर्वक नाचना चाहती हैं, परंतु वे पराधीन होती है, मतलब पराधीन का दूसरों के अधीन होती है। अपनी स्वतंत्रता के लिए वे लालयत रहती हैं, परंतु क्या उनकी ये इच्छा पूर्ण हो पाएगी, इस बात को लेकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। इन्हीं अनेकानेक भावों की कवि भवानी प्रसाद ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसे व्यक्त किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियों की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसमें मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसे इच्छा है मेरे मन में जगी। क्या कहते हैं कि कठपुतली प्राचीन व्यक्ति के प्रतीक है, उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। एक कठपुतली के लिए प्राचीनता न सहने योग्य हो जाती है, वे विद्रोह कर देती है। वे धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर जीना चाहती है। दूसरी कठपुतलियाँ भी उसे अपनी सहमति प्रकट करती हैं, किंतु पहले कठपुतली अचानक ठिठक जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या वे अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। क्या वे उसे अपने बल पर जीवन बिता सकेगी। कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है। जैसे कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आ जाता है, क्योंकि वो दूसरों के अधीन धागों से बंधी हुई होती है। अब कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं हो सकती। अब कठपुतली जो है स्वतंत्र तो होना चाहती है, लेकिन वह दूसरों के धागों पर बंधी होती है। अब जो है कि पहले कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो मुक्त होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए उनको पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। थैंक यू।